नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार में अनलॉक 3 लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर गोपालगंज के DM और SP ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान DM और SP की ओर से एक गाइडलाइन जारी किया गया है, देखिए। बिहार में अनलॉक 3 लागू होने के बाद गोपालगंज जिले के DM अरशद अजीज और SP मनोज कुमार की ओर से जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DM और SP द्वारा अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी किया गया। गाइडलाइन के अनुसार जिले में गुरुवार से दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगे, जबकि शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। वही सब्जी, फल और मीट मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगे और ठेला से सब्जी फल बेचने पर समय की कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही DM और SP की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार इस बार महावीरी अखाड़ा जुलूस और तजिया जुलूस की भी अनुमति नहीं दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। DM SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि सबको गाइडलाइन पता हो, इसके लिए पूरे शहर में माइकिंग भी कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी मीडिया कर्मी से भी अपील की है कि मीडिया द्वारा भी इसे लोगों तक पहुँचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। बिहार सरकार ने लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है, जिसके आलोक में हम लोगों का एक डिटेल ऑर्डर निकल चुका है। उसमें एक संशोधन है, जिसको आज हम लोग निकाल रहे हैं। वो हम लोगों को ये है कि अब जो सब्जी और मांस मछली को बेचते हैं, फल वगैरह, उनका टाइम सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रहे, और बकिया जो दुकानें हैं जिस पर रोक नहीं है, जैसे मॉल और इस तरह दुकान जिस पर रोक नहीं है, ये जो रिस्ट्रिक्शन पहले था वो रिस्ट्रिक्शन यथावत रहेगा। समय में सिर्फ अंतर किया गया है, अब वो 12 बजे से 4 बजे तक ही खुल पाएगा। बाकी जो रिस्ट्रिक्शन पहले से है वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा, जैसे आपका मॉल नहीं खुलेगा या होटल खुलते हैं, मिठाई की दुकान खुलते हैं, ढाबा खुलते हैं, वहाँ बैठ करके खाने का सिस्टम नहीं रहेगा, आप वहाँ से लेके जा सकते हैं या आप बाय ऑर्डर अपने घर में मंगवा सकते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन पहले से है वो रिस्ट्रिक्शन रहेंगे। समय बस अपने ही अंतर हम लोग खुल रहे हैं कि सब्जी, फल, मछली, मीट वगैरह वो जो बिकता है वो सुबह 6 से 10 बजे का, बाकी सारी दुकानें जो खुलने वाली हैं वो 12 बजे से 4 बजे। पूरे जिले की है सारी सब्जी? नहीं, वो हम यहाँ है पूरे जिले ही पर लागू है। हमने जितने भी शहर हैं छोटे मोटे छूट गए थे उसको भी इंक्लूड कर रहा है, जिस तरह से लाइन बाजार, पछवा बाजार उसमें नहीं थे, अब हम लोग उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी बड़ा मार्केट है, काफ़ी भीड़ लगती है। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया इस तरह के और 5-7 जो मार्केट हैं उनको भी हम लोग पहले से ऑलरेडी जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर नहीं थे, जैसे सासा मुंसा ममदपुर, इंक्लूड कर रखा था, लेकिन इन सभा में भी आकलन करने का लगा है काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर मार्केट में, इनको भी इसके दायरे में नहीं। मुहर्रम और बोरो काफी है, इसी प्रकार का मंदिर में, मस्जिद में इस तरह से कहीं भीड़ भाड़ लगाना बिल्कुल बना है, ले जा सकते हैं 15 लोगों से, मिनिमम कहा गया 3-4 आदमी हो सकते हैं। और जिस तरह से महावीर ठंडा यहाँ पर नहीं हो रहा, उसको कोई परमिशन नहीं मिल रहा है, कोई जुलूस का परमिशन नहीं, कोई सावधानी के स्थल पर बना करके स्थापित भी नहीं कर सकते, उसी तरह से मुहर्रम में भी कोई जुलूस का परमिशन नहीं मिलेगा। और मुहर्रम का भी कुछ ताजिया वगैरह अगर बाहर बैठाना चाहे तो वो भी मना है, वो भी नहीं कर सकते हैं, घर के अंदर उनको करना है। ताजिया भी नहीं बनाना है? हम बनाना नहीं, मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थान में वो नहीं बनेगा और न जुलूस। बाजार का टाइमिंग जो है खुलने का, दुकान खुलने का टाइमिंग अभी स्पष्ट कर दिया गया, आदेश निकल गया है। हम लोग प्रॉपर माइकिंग भी करवाएंगे शहर में कि हाँ इस समय ये है कि इसी समय खुलना है, प्रॉपर माइकिंग का भी व्यवस्था होगा, सबको जानकारी भी मिलेगी। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से ये सूचना सबको दिया जाए, उसके बाद हर जगह प्रशासन तैयार रहे, इसको सबको समझा बुझा करके इसको अनुपालन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। लाइसेंस को लेकर क्या किया जाएगा? मुहर्रम को, ताजिया, मुहर्रम, महावीरी जुलूस किसी का लाइसेंस पुलिस के द्वारा निर्गत नहीं किया जा रहा, और लॉकडाउन में किसी भी प्रकार का लाइसेंस जो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन का है, जुलूस का है, नहीं निर्गत किया जाएगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी।
महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।